चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 40 की तरफ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहे हैं कि एक वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब भी विक्रय मूल्य दे और विक्रय मूल्य पूछे तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि SP बराबर रहता है सेकेंड अपॉन फर्स्ट परसेंटेज। जब भी विक्रय मूल्य दे और विक्रय मूल्य आपसे पूछ ले तो डायरेक्ट आप इसमें एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। SP कितना दे रखा है इसने 320, सेकंड परसेंटेज कितनी है 20% का लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे 120, और पहले वाली में 20% की हानि है तो 100 में घटा के लिख देंगे 80। बस काट देंगे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा 0 से 0, 8 से 8 देंगे 8 चौक 32 और 12 चौक 48, 480 रुपए आ जाएगा। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कब लगा रहा है, जब भी उसने सेलिंग प्राइस दिया और सेलिंग प्राइस दिया निकालना हो तो तभी हमेशा काम करेगा। इसमें हमने पहली उसमें भी टाइप में 40 सवाल जो करे उसमें भी हमने कई बार लगाया है, तो आप इसको ध्यान रखना। SP बराबर क्या होता है, SP सेकेंड अपॉन फर्स्ट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये इसमें जरूर काम कर जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे क्या कहा गया। देखिए इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि एक जो क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, एक कमीज का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से 960 और 1392 है। यदि मोल भाव कर एक ग्राहक इसे विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम करता है तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से सुने, एक तो आपको इसमें CP दे रखा है कितना 960, SP दे रखा आपको कितना 1392। अब कह रहे हैं कि देखिए इसके 10% के बराबर क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ कम हुआ है तो 10% निकालना 960 का सभी 10% बहुत सिंपल बात है, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो ये 96 कम में होगा तो ये कितने का होगा, घटा देंगे इसमें से तो ये 1296 का भी का होगा। अब लेके आए हम 960 की, गई कितने की 1296 की, तो ये इससे कितना कम है 1296 में से, आप 1296 में से घटा दो 960 तो पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हो आपको। जब इसमें से आप इसे घटाओगे तो ये कितने का होगा, ये हो गया सर 336 का। हुआ कहां से, CP रखते नीचे और परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, काट देंगे आप 10 से 10 काट देंगे जितना आपसे कट रहा। देखिए 4 से काट रहा हूं मैं इसको, 4 से 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 इधर 4 चौक 16, 24 से काट दे से और 4 से काट लो, लो 4 6 24, 4 दुनिया 8, 4 एकम 4, 3 से काट दे 3 दुनी 6, 3 7 21, 2 से काट देंगे 2 5 10 और 7 5 35 परसेंट। 35% देखें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए 42 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कहा गया, मैंने 1000 किलोग्राम मैंने सॉरी 100 किलोग्राम चाय खरीदी और मैंने इस पर लाभ पर बेचा और मेरे द्वारा लाभ 40 किलोग्राम चाय के किए गए भुगतान के बराबर है तो लाभ कितना हुआ। तुम्हें 40 किलोग्राम का हुआ तो वो तो ऊपर हुआ, लेकिन कहां से, वो अपने आप में 100 थी और परसेंटेज बनाने के लिए डायरेक्ट बना देंगे आप 100, 0 से 0 काट दें तो आंसर आ जाएगा 40%। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहे, 1100 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो प्रॉफिट बता दिया उन्होंने कितने का 1100 का, और लाभ बता रहे हैं कि इस पे हानि कितने की होती है 700 की, तो यहां पे लिख देंगे 700। अब कह रहे हैं कि होने पर बेचने वाली हानि का 3 गुना, ये इसका 3 गुना है, अगर मतलब हानि एक की हो रही होगी तो ये कितना होगा, इसका 3 गुना होगा, मतलब टोटल कितना बैठ जाएगा, ये 4, ये देखें इसके बराबर होना चाहिए। यहां पे कितने की हानि है प्रॉफिट एंड लॉस में 400 की, तो इसे 400 बना दो तो 20 इधर लगा दू, तो 20 इधर लगा दू और 20 इधर लगा दो, ये बराबर हो गया 400 से। अब देखिए प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, इसमें से घटा दे तब भी कितना आएगा 800, या इसमें ये जोड़ ले क्योंकि ये लॉस में जोड़ देते हैं तो तब भी कितने का आएगा, ये निकल के 800 का, और इस पे 12.5% का है, 12.5% का मतलब आप सभी जानते हैं इसकी फ्रैक्शन बनाना हो तो नीचे हटाओगे 10, ये हटाओगे कितना 100, 25 5 125, 25 4 100, 5 2 8, तो ये कितना आ गया 1/8 लाभ हो रहा, तो जोड़ देंगे ये कितना आ जाएगा 9/8, तो आप इसका 9/8 निकाल दें, 8 से जाएगा ये कितना, तो इसका आंसर आ जाएगा 900, और 900 देखिए किसी ऑप्शन में होगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 44 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 में आपसे कह रहे हैं कि एक विक्रेता 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेचता है। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर लेते हैं, जितना भी रुपए उसे तो लिखते हैं ऊपर, मैंने इसके जो टाइप एक है उसका मैंने बेसिक से आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 13,000 रुपए, वो ऊपर कितनी सिलाई मशीन है वो नीचे लिख देंगे कितनी है 6,
15% का लाभ हुआ, 15% का मतलब आप सभी, सॉरी 5% का लाभ, 5% की आप फ्रैक्शन बनाएंगे, सभी जानते हैं कितनी आ जाएगी, 1/20, तो 20 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21/20, लेकिन मैंने बताया था इसको पलट के लिख देंगे, तो कितना लिख देंगे इसको आप, 20 और बटे में कितना, 21। फिर से कह रहे कि 15% का लाभ लेना, 15% की फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं, नीचे हटाएंगे 100, 5 3 15 और 5 से 5 2 10, तो 3 का लाभ होगा, तो 20 और 3 कितना, 23, इसको सीधा लिखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे जी, पहली वाली को उल्टा और दूसरी वाली को सीधा, तो आप इसे जाके नाम में, मैंने पहले क्वेश्चन में इसका बेसिक बताया, आप वहां से देख सकते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे, बस इस लाइन को हल करेंगे आंसर आ जाएगा, जितना आपसे कटता काट देंगे आप, 21 से काट रहे हैं, 21 से काट देंगे, 21 थिया कितना हो जाएगा, 63, 21 एक जीरो हो रहा है, 21 थिया कितना हो जाएगा, 63। आप और काट दे, 6 से काट दे, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 और 2 0 ऐसी की ऐसी, और काट दे 2 से कितनी बार, 10 बार पर हो जाएगा, बस गुणा कर देंगे, 23 की 5 115 और उसके पीछे 2 0 ये आ जाएंगी। तो ऐसा देखें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये हमारे पास क्या पूछा उसने, ये देखें लास्ट में कि इसे कितनी मशीन बनानी पड़ेगी, ये भी देखनी है कि कितनी मशीन होगी। अच्छा देखें नीचे हमारे पास क्या बच रहा, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे कितना बच रहा, 1, तो मुझे कितनी करनी है, 8 मशीनें, तो नीचे 8 की गुणा कर दूं तो ऊपर भी 8 की गुणा करनी पड़ेगी, और जब आप ऐसा करोगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 92,000। तो ये ऊपर रुपए है और नीचे मशीन आ गई, तो कितने रुपए में आई 8 मशीन, 92,000 रुपए में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे क्या कह रहे हैं, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, ठीक है 20% की हानि पर बेच दी, और 576 रुपए में बेची, कितने रुपए में बेची इसने, 576 रुपए में बेची है, 576। तो आप इसके एक काम करें, तो सुधा है यहां पर और एक बात कर रहे हैं ये रेणु की, तो रेणु पे कितने, 576 रुपए। अब कह रहे हैं कि उसे 20% की हानि पर बेची, देखिए ये वाला वर्ड देखिए उसने क्या कहा, उसे 20% की हानि। अच्छा 20% की फ्रैक्शन क्या होती है आप सभी जानते हैं, 20% की फ्रैक्शन ये आपने याद कर रखी है सभी ने, कितना हो जाता, 1/5। कह रहा 20% की हानि पर बेची, तो जब 20% की मैं हानि निकालूंगा यहां से तो ये कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से एक कम कर देंगे तो कितना, 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5, तो मैं इसको निकाल देता हूं, 4 से काट दें आप, 4 एकम 4 एक इधर हो जाएगा, 4 चौक 16 एक इधर हो जाएगा, 4 चौक 16 और मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 दो इधर, 5 चौक 20 और 2 22 दो इधर, 5 एकम 5 और 2 कितना, 720 आ गया। क्लियर, ये 720 कैसे आया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सुधा के पास कितने, 720, इसके पास 720 हो गए, यहां से निकालेंगे कैलकुलेशन करने के बाद कितना, तो ये कह रहा ना 20% की हानि, 20% की हानि, तो कितना है, 720 आ गया। अच्छा आगे चले, रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपए और का अधिक करी, रेणु ने कितने खर्च कर रखे वैसे, 576, 224 और खर्च कर दिए ट्रांसपोर्ट पर, तो जो रेणु ने खर्च कर दिए वो कितने, रेणु ने खर्च कर दिए 800 कर दिए सर। अब आगे बढ़े, और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को कितने का लाभ होना चाहिए, कह रहे सुधा को 24% का लाभ होना चाहिए, तो ये जो रघु को बेचेगी, तीसरा पर्सन है एक रघु, जब ये रघु को बेचेगी तो जो 720 पे 24% का लाभ लेगी तो कितना आएगा, 124% हटाएंगे 100, काट देंगे जितना आपसे कट सकता है, कैलकुलेशन कर दें, या देखिए क्या पूछ रहा है इसने, इसने पूछा रेणु का लाभ प्रतिशत बताएं, तो एक काम करें रेणु का लाभ प्रतिशत बता देंगे आप, इसका रेशो ही बना लूं यहां पर ही, जितना कट रहा आप काट देंगे, एक काम करें इसमें हमें पूरी पूरी कैलकुलेशन होने से बच जाएगी, ये वाली 1 0 से, तो ये वाली 1 0 कर दें इसकी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से काट दें, 8 निम कितना हो जाएगा, 72, तो यहां कुछ नहीं बचा यहां पे, तो कितना आएगा, 1 0 ये रही, 2 0 इधर, सारी 1000 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1116। तो यहां से ये देखिए कितने का, वो तो ऊपर लिख देंगे 116 है कहां से, 1000 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100, 2 0 से 2 0 तो 11.6% का आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 46 में आपसे क्या कह रहे हैं, रीमा ने इतने रुपए में 48 वस्तुएं बेची 10% की हानि पर 12% का लाभ, तो उसे इतने रुपए में बेचने पर कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, बिल्कुल अभी सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन था ये जो पहले कराया था, मैंने बताया था इसमें रुपए तो कहां पे रखते हैं, ऊपर ये रख दिए रुपए, नीचे कितनी वस्तुएं, नीचे रख देंगे वो 48, ये पहले क्वेश्चन की तरह, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको, 10% की हानि है तो 10% का मतलब 1/10 हानि है तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, इसे पलट के लिखेंगे 10 बटा कितना हो जाएगा 9, 10 बटा कितना हो जाएगा 9,
अब फिर से कह रहा 12% का लाभ, तो 12% का लाभ या तो फ्रैक्शन बना दे या ऐसे भी लिख देंगे 112/100। बस कैलकुलेशन कर दें आपसे जितनी कैलकुलेशन हो रही है, दो जीरो से तो मैंने दो जीरो काट दी, और काट दें जितना जा रहा जितना आपसे, 16 से काट दें, 16 3 48 और 16 से कितनी बार जाएगा 16 से नहीं आपका से काटे, 16 से काट रहे चले, 16 से काट दें, 16 3 48 16 एकम 16 और बचेंगे कितने हमारे पास 5, नहीं 16 से तो नहीं कट रहा, एक काम करें छोटे टेबल से काट दें, इसे काम करें आप काट लें, 12 से काट के देखना, 12 से काट देते हैं इसको, 12 से जब काटोगे आप 12 से क्या 4 से काटता हूं मैं, देखें इसे 4 एकम 4 4 2 8 अपने हिसाब से काट लेना आप, इसे काट देते हैं हम 4 से, 4 5 20 एक इधर 4 चौक 16 और 0 तो हमने काट ही दी थी, और काट दो 4 से, इसे काट देते हैं फिर से 2 4 से क्या 2 से 6 से काट देता हूँ, 6 2 12 और 6 निम कितना हो जाएगा 54, 2 से इसको काट दें कितनी बार 56 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी बस, इसमें ऊपर तो कितना बचेगा हमारे पास बस केवल 56, 9 से 9 कट गया क्योंकि, और नीचे कुछ नहीं बचा 1, तो उसने कहा था 20 16 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, तो मुझे इसे 20 16 बनाना है, तो 20 16 बनाने के लिए कितने की गुणा करूं इसमें 36 की, तो इसमें भी 36 की गुणा कर देंगे ताकि ऊपर यहां तो कितना हो जाए 20 16 और नीचे कितना 36, तो बोल देंगे 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, ऊपर रुपए नीचे वस्तु है तो बोल देंगे 36 और 36 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन हुई है, एक बार इस कैलकुलेशन को आप अपने आप लगाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, 47 में आपसे क्या कहा गया बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक विक्रेता ने एक गैस को 10% के लाभ पर और स्टोव को, गैस स्टोव को 15% के लाभ पर, यदि ग्राहक इसे इतने रुपए में गैस लैंप का स्टोव मिलता तो उसका उत्पादन, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फाइनल बराबर इनिशियल वाला, तो वही लगा रहे हैं जो फाइनली उसके पास कितने 7590 इनिशियल वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 15% का क्या कह रहा है, 10% का लाभ तो 110/100, फिर कह रहा है कितने का 15% का लाभ तो 115/100 कितना 100 काट देंगे, 10 से तो आप 10 काट दें, एक टेबल से काटना शुरू कर दें, जितना आपसे कटता वो उसका आंसर हो जाएगा, काटना को स्टार्ट करें। देखिए एक काम करें 11 से काट के देखते हैं इसको, अब मैं 11 से क्या एक काम करो, स्कोर किसी टेबल से कट रहा है क्या, 3 से 3 2 6 3 से काटें, एक बार 3 2 6 एक इधर 3 5 15 और 3 3 9 3 से इसको काट के देखें, 3 3 9 और 2 इधर 3 से तो नहीं जा रही है, एक काम करें 11 से काट दें आप हिसाब, 11 से काट के देखें, 11 से जाएगा 11 6 66 और बचेगा कितना 9, 11 निम 99। अब और काट लें आपसे जितने कटना काट दें, ये 5 से ना 5 से काट दें, 5 2 10 एक इधर 5 3 15 और 5 2 10 0 की 0 23 3 कितना हो जाएगा 69 और 3 2 कितना 6, तो 6000 रुपये इसका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखें कौन सा दे रखा है, डी, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए जो मेरा काम है, मेरा काम बस आपको ये है ये समझाने की लाइन कैसे आई है, और ये आई है आप जानते हैं एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया कि जो फाइनल मान होता है वो बराबर होता है इनिशियल 100 ± x1/100 100 ± x2/100 और ये ऐसे ही चलता रहता। तो यहाँ पर फाइनल मान तो दे रखा था, इनिशियल पूछा, ये परसेंटेज थी, लाभ में जोड़ दिया जोड़ दिया, इसके बाद ये आपका काम है, आप अपने पास से कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपसे नहीं हो रहा तो इसमें देखें कैसे काटा गया, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप जितने अपने आप से करोगे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 के बाद आ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। देखिए 48 में आपसे डिस्कस क्या कर रहे हैं, 48 में आपसे कहा है कि कोई वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 की चीज थी तो कितने की बेच दी 116 की, 3600 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 20% का लाभ हो रहा, 20% का लाभ मतलब कितना 120, तो कितने का है हमारे हिसाब से 4 का, और उनके हिसाब से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 36, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा 100% का मान निकाल देंगे, 4 निम 36 तो कितना आ जाएगा 900, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए 49 में आपसे क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति 2 उपहार में से प्रत्येक को 30 रुपए में बेचा और एक उपहार पर 10% का, सॉरी 18% का और दूसरे पर 18% की हानि, तो कह रहे कुल पर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत ध्यान से सुनेंगे, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 2 उपहार को प्रत्येक को 30 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस बता दिया दोनों का, इसको भी 30 रुपए में और इसको भी 30 रुपए में, एक को 18% का लाभ तो इसमें निकाल देंगे 100 में जोड़ देते हैं 18 तो नीचे कितना जाएगा 118, उसे हानि पर बेच रहा तो 100 में से कितना घटा दें 18, तो यहाँ पे 100 बटे और कितना जाएगा जब 18 घटाओगे तो कितना 82,
ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। तो आपका ये सीपी आ जाएगा, जितना भी आप काट के इसको कैलकुलेशन करना, मैंने भी आपको बताया था कैलकुलेशन अपने, तो ये और भी आएगा, हम दो अंकों तक ले लेंगे। ऐसे जब इसको आप काटोगे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, तो ये आ जाएगा 36.58, और भी आएगा, ऐसे दो अंकों तक ले लिया बस हमने। तो यहाँ पे आप टोटल जोड़ेंगे कितने का बैठ जाएगा, ये 62 का, और यहाँ देखें 30 और 30 कितना 60, तो 60 की मतलब 62 की लेके आए थे, ये सीपी है और 60 रुपए की गई है, तो क्या हुआ, हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है, 2 रुपए की, तो बोल देंगे 2 पर 2 का लॉस। ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा, सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या कहा गया, राम ने एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा, ठीक है 30% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन इसके क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य की गणना की जाए, तो कह रहे लाभ प्रतिशत कितना। भाई 100 की चीज है कोई, और कितने की बेच दी, 13% के लाभ पर, तो 113 की बेच दी, तो हुआ कितने का लाभ है, 13 का, लेकिन विक्रय मूल्य से पूछा भाई सब, तो नीचे लिखेंगे कितना, 113, और परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से, बस आपकी इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1300 और बटे में कितना हो जाएगा, 113। कैलकुलेट कर लेना जितना भी आएगा, ये 2 के समथिंग माना चाहिए, देखिए 2 ही सारे ऑप्शन में करके दे रखे, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। देखिए कितने बार पर काट दे जरा इसको, देखिए कितनी बार पर ये कट रहा है, ये हमारे पास 1300, देखो क्या मल्टीपल आ रहा है, क्योंकि सारी 2 में दे रखे हैं इसने, और डिवाइड करना हमें 113 से, कुछ गलती तो नहीं हो रही, एक बार देख लें फिर से आप। सॉरी 30% के लाभ में, तभी मैं कहूँ क्यों नहीं आ रहा, दोबारा देखें भैया क्वेश्चन नंबर 50 फिर से सुनेंगे एक बार आप। देखें 100 की चीज थी 13% के लाभ पे, नहीं वो कह रहा 30% के लाभ पर, तो कितना आएगा, 130। अब ये देखें 100 की चीज थी, 130 की चली गई, तो कितने का लाभ हुआ आपको, 30 का, लेकिन पूछ कहां से रहा, विक्रय मूल्य से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितने गुणा कर देंगे, 100 से आप गुणा कर देंगे, बस इसकी कैलकुलेशन लगा देंगे, 0 से 0 कितना हो जाएगा, 300, और बटे में कितना, 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26, बचेंगे कितने 4, 13 तिया कितना 39, तो 23.1%। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी हो जाएगा, तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर अपना 51 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे क्या कह रहे हैं, एक कार डीलर ने एक कार खरीद ली है, पुरानी कार खरीदी है, और उसके मरम्मत पे कुछ पैसे खर्च किए, और उसके बाद इसे बेच दिया है, जिसे उसे 25% का लाभ होगा, तो कार की मरम्मत पर कितना धन किया गया। तो बहुत ध्यान से देखें, आसान क्वेश्चन है, एक ही तरीका है करने का, जितने रुपए में खरीदी है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे, 10, 800, 500, ये हमने ऐसे लिख लिया, 10,000 ये लिख दिया, सॉरी कितना, 1,085,100, 10,085,100 रुपए हमने ऐसे लिख दिए, 10,085,100 रुपए तो ये हो गए। अब इस पे कह रहा कि पुरानी कार थी, कुछ मरम्मत के लिए खरीदी, तो कुछ पैसे और जुड़े होंगे, मान लेते हैं एक्स पैसे जुड़े, लेकिन इसके बाद इसे बेच दी इसने कितने की, और इस पे लाभ कमाया है, लाभ हमेशा किस पे कमाया जाता है, सीपी पर, तो ये जो हमारे पास है 10,850, ये लिख देंगे 10,085,100 रुपए, तो ये कितने पे, इस पे 20-25% का लाभ, तो लिख देंगे 125 बटे में 100, और उसके बाद ये जो बिकी है वो कितने की, वो बराबर रख देंगे 15,62,50 के, 15,62,50 के, देखें ऊपर, तो ये कितना करेंगे आप, बहुत ध्यान से देखें, 1,56,250, इसकी कैलकुलेशन कर दें, और जितना भी घटेगा वो आंसर आ जाएगा, 25×5=125, और 25×4 कितना हो जाएगा 100, 5 से इसको काट दें आप, जितनी बार पर जा रहा, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, और 1 0, बस ये यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पर 4, ये प्लस एक्स, और यहाँ पर एक्स है ना, ये वाली वैल्यू प्लस में एक्स हो रहा है भैया, ध्यान रखें, तो ये 4 की इसमें मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा, तो एक काम करें, 4 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे ना, हमारे पास 4, तो या तो 4 की मल्टीप्लाई वैसे कर ले, या 4 की मल्टीप्लाई उसमें कर ले, मर्जी आप किसी में भी कर ले। लो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 10,800, 500 प्लस एक्स, इस 4 की मल्टीप्लाई करा दे, 5 4 20, 4 2 8 और 2 10, एक इधर 4 1 4, और 1 कितना 5, और 4 3 12, तो ये कितना आ गया 12,500। अब इसे इधर जाके घटा दें, तो x की वैल्यू 16,500, ऐसा देखें कोई ऑप्शन होगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या कहा गया, कह रहे हैं एक पुस्तक का बिक्री मूल्य सहित, मतलब टैक्स के साथ में दे दिया, टैक्स के साथ में जो उसका सेलिंग प्राइस है, दोनों का जो मान है वो दे दिया कितना, 95,634। अब कह रहे हैं कि बिक्री का 10% है, तो इसका एक काम करें, 10% का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो 10% की फ्रैक्शन होती है वो कितनी होगी, 1/10, तो जोड़ देंगे कितना, 11/10, तो
उसको पलट के लिख देंगे, 10/11 पॉइंटेड आएंगे, नीचे एक जीरो ये इससे कट जाएगा, 11 से आप इसको काट लें, 11 से इसको काटेंगे, 11 8 88, 11 6 66, 3 9 4, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, पॉइंट लगाए रखेंगे ऐसे यहां पर, दो के बाद था ना, तो एक पॉइंट ऐसी रहेगा। अब कह रहे हैं कि इसे 15% का लाभ, 15% का लाभ देख लें आप, 15% की जब फ्रैक्शन डालेंगे, 5 3 15, 5 2 9 10, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23, तो इसका निकाल देंगे 20/23, बस ये पॉइंटेड आओगे, नीचे कितना आएगा जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और इसको ये काट देना तो आपका ये 756 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख ले कौन सा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें, इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए 54 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 को आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे हैं आपसे, एक मोबाइल फोन को 12,000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी मोबाइल के 9,000 रुपए में बेचने की हानि के बराबर है, और उसमें से 20% का लाभ लेना है, तो उसे मोबाइल फोन को कितने रुपए में बेचना होगा। भाई 12,000 रुपए में तो बेचने पर, उसी मोबाइल पे 9,000 रुपए में और बेचने पर, यानी तो 12 और 9 टोटल कितने हो जाएंगे, 21, कितने हो जाएंगे 21, एक मोबाइल फोन को बेचने पर उसी मोबाइल फोन के बेचने हानि प्रतिशत के बराबर है, तो 21,000 हो गई। तो कह रहे हैं कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने की बेचनी होगी, तो उसको आधा कर दो, टोटल हमारे पास ये कितना आ जाएगा सीपी, 10 500 आ जाएगा, और उस पे 20% का लाभ लेना है, तो 20% का मतलब 120 और बटे में कितना 100, 20 से 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आपसे जितना कट रहा काट देंगे, ये हमारे पास कितना 12, तो ये आ जाएगा 12,600, कितना आ जाएगा 12,600। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 के बाद, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई 108 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर 20% अधिक लाभ अंकित करता है, तो कह रहे हैं उस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें कि उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना। देखिए जो प्रॉफिट बताया वो कितना बताया, 123 पॉइंट कितना बताया 4, लॉस कितना बताया 108। अब कह रहे हैं कि 108 रुपए में बेचने पर, 108 रुपए में बेच दिया, 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं, 20% की फ्रैक्शन 1/5, अधिक है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, कितना हो गया 6/5, तो मतलब ये 5 होगा तो ये कितना होगा 6। अब ये देखिए जो इन दोनों का अंतर है हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा 1, इन दोनों का जो अंतर है हमारे हिसाब से कितना 1, इनके हिसाब से कितने का है, तो वो हमारे हिसाब से जोड़ने कितने का आ रहा है 6 5 11, इधर इन दोनों का देख ले, इन दोनों का अंतर किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा 15.4 के, जब इसमें से आप इसे घटाओगे तो 15.4 आ जाएगा, 1 का वैल्यू निकाल दें यहां से कितना आ जाएगा 1.4, तो इसमें भी 1.4 की गुणा करा दें, इसमें भी आप 1.4 की गुणा करा दें, जब यहां पे कराओगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7, तो इसमें या तो यहां से लगाओगे तो यहां से घटा के निकालना पड़ेगा, यहां से जोड़ के, तो मैं यहीं पे जोड़ देता हूं, 108 में 5 जोड़, 108 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 115। एक क्वेश्चन इसके पहले जैसे कराया है तो आप उसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से 115, इसके हिसाब से 120 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, बस आप यहां से निकाल दें, ये से कितना मल्टीपल है क्या कह रहे हैं, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना, 115 की चीज 120 पॉइंट 75 में गई तो कितने का फायदा हुआ, 5.75 का हुआ, कहां से वो नीचे लिख देंगे 115, और परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100, इसे काट देंगे जितना आपसे घटता, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 100, ये इससे काट देंगे 100 से 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, और 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 इधर, 5 5 25, 5 से काट दें, 5 2 9 10, 1 इधर 5 3 23, 115, तो 5% का क्या हो जाएगा लाभ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर अपना 56 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56 में आपसे कहा गया कि रेमी की कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, यदि वह उस वस्तु को 8% अधिक में बेचे तो 13% का लाभ होता है, तो ऐसी 16 वस्तुओं को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो एक काम करें, मैंने आपको बताया, देखें जब भी ऐसी कोई चीज दे तो कैसे करते हैं, 20% का लाभ तो कितने की 120 की, 20% का लाभ 120, 30% का लाभ तो कितना 130, तो हमारे हिसाब से कितना हो गया 120 से 130 कितना बढ़ गया हमारे हिसाब से 10, लेकिन वो बता रहे 8 में, तो आप पहले यहां से 100% का मान निकाल देंगे, 1 0 से 1 0 कितना आ गया 80 आ गया, कह रहा 16 वस्तु को बेचना है ऐसी, तो 16 की मल्टीप्लाई करा दें, 8 6 48 बचेगा कितना 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1280, तो 1280 देखें किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 में आपसे क्या कहा गया, देखिए ये लेंथी क्वेश्चन है, इसे इसी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिए, 55 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल हैं और ये कितने के हिसाब से, 55 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल कितने लिए, 20। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने आ जाएंगे, 110 रुपए आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर से दिया, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 25 के हिसाब से खरीद रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा, 12,500 आ जाएगा। नेक्स्ट 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितनी है, 35, तो उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 2100 रुपए के। ये करानी पड़ेगी आपको गुणा, टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 6, टोटल कितना, 80 किलोग्राम गेहूँ खरीद लिए इन्होंने, और ये कितने में खरीद लिए, 4450 में, इधर कितना टोटल, 4450। तो अब आप एक काम करें, देखें क्या कहा उसने, 150 रुपए की राशि और अधिक खर्च हुई है, तो इसमें 150 रुपए आप और जोड़ दें, तो ये 0, ये 0, 5 और ये कितना, 6, और ये कितना हो जाएगा टोटल, 4600 रुपए। 80 से भाग कर देंगे आप तो एक वस्तु का आ जाएगा, ये पॉइंटों में आएगा, यहां से काट देंगे 62 पॉइंट कितना आ जाएगा, 56। और लेकिन वो बता रहे हैं कि कितना यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो हमारे पास पड़ेगा, आपने इसे काटा कितने बार पर, ये तो 62.6 इन्होंने किताब में दिया कि इनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से काट के यहाँ पे कितना आएगा, ये 57.5। तो हमारे हिसाब से काट क्या है, 57.5, किताब के हिसाब से इतना है। तो आप ये देखें 57 और 62 है, तो कितने का फर्क हुआ है, 5.56 का हुआ, कहां से, वो नीचे लिख देंगे 57.5 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना कर देंगे, 100। ये देखिए गुणा तो करनी पड़ेगी, काट कर दें आप इसकी, जितनी भी आप काटेंगे यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 ऊपर हटा लेना, 1 और 0 काट लेना, इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है आपको, तो 8.8% मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको करने का केवल एक यही तरीका और बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, बस गुणा आपको करनी पड़ेगी, गुणा करने का कोई आसान तरीका इसमें नहीं है। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहे हैं, देखिए 16% की हानि, तो 16% की हानि है तो 100 में से 16 घटाऊंगा, कितना जाएगा, 84। 8% का लाभ है तो कितना आ जाएगा, 108। मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस कर लें, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना, 24, और उनके हिसाब से कितने अधिक है, 660। तो आप यहां से 100% का मान निकाल दें या डायरेक्ट 112 का मान निकाल दें, क्योंकि 12% का प्रॉफिट पूछा, तो आपको बताया था नीचे रख देंगे 24 और गुणा में कितना, 112। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, 6 कम 6 6 कम 6 0, 6 चौक 24, 4 से काटने जितना आपसे कटता है, 4 दुनी 8 3 इधर 4 8 32, मल्टीप्लाई करा देंगे, 30 80 30 80, देखें ऐसे कौन सा ऑप्शन है, ए, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 में आपसे क्या कहा गया, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर खरीदी गई, 100 की चीज है, 10% के लाभ पर खरीदेंगे, कितने की आएगी, 110। कह रहे 20% कम मूल्य पर खरीदा तो कितने की खरीदी गई, 80 की, और उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा तो 40% का लाभ, तो इस पे 40% का लाभ निकाल दें। जब आप 80 पर 40% का लाभ निकालोगे, तो जब आप 40% का लाभ निकालोगे, 132 में 80 में जोड़ देंगे कितना, 32, तो आ जाएगा 112। भाई 40% आया तो 32 इसमें जोड़ दिया, तो यहां 110 की थी 112, तो हमारे हिसाब से कितने मिले, 2, और इनके हिसाब से कितने बताए थे, 1000, तो यहां से 1 का वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ गया, 500। आपसे पूछ रहा है कि बताएं पूर्व वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य कितना है, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 50,000। ऐसा ऑप्शन बी दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट आ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 60 की तरफ।